Students, in today's video we will discuss left part of the diversity in living world. Okay, in last video I gave a question. The question is, what is the reason for large scale biodiversity among living organisms? Okay, answer aaj main aapko brief kar deti hu. So the answer is adaptation in diverse habitat. बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस लैंड पे क्यों है? पहला रीज़न है एडेप्टेशन इन डाइवर्स हैबिटेट. ओके, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अडेप्ट करता है इस डाइवर्स हैबिटेट में. नेक्स्ट है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि जेनेटिक जो मटेरियल होती है डीएनए आरएनए उनमें चेंजेस होना. ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो वेरिएशन डेवलप करेगा और वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ चांसेस को इंक्रीज करता है, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं इस एनवायरनमेंट को. आज जो टॉपिक हम डाइवर्सिटी में रह गया था उसको बताते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम उसको ब्रीफ करेंगे, कैसे ओरिजिन हुई थी, डाइवर्सिटी लैंड पे कितनी पाई जाती है. तो In every year, 15,000 species are identified and each species will undergo every year. कितनी species की identification होती है? 15,000 species की. Okay? And 15,000 species को हम identify करने के लिए किस किस process से continue करते हैं और उसको हम एक book में publish करते हैं. ये 4 characteristic हैं. फर्स्ट रीजन है कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज अ नॉमिनिक्लेचर एंड फोर्थ इज अ क्लासिफिकेशन. ओके, कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन दैट मीन्स कि सपोज हमने किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, तो प्लांट को देखा कि ये क्या है, तो उसको हम कैरेक्टराइज वाइज ऐसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, लाइक उनकी लीफ की स्ट्रक्चर क्या है, उनके फ्लावर कैसे हैं, रूट कैसे हैं, स्टेम सिलेंड्रिकल है, वर्टिकल है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट है, प्रॉप रूट है, किस तरह के उनके कैरेक्टराइजेशन है, तो उसी को हम बोलते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ओके, तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन. नेक्स्ट हम उस स्पीसीज को जो भी हमने प्लांट आइडेंटिफाई किया है उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है ना, आइडेंटिफाई किससे करेंगे, उन स्पीसीज आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑलरेडी क्या होगा, नोन स्पीसीज होगा. सपोज कि उसकी कुछ सिमिलर कैरेक्टर ही हमें पता है कि ये प्लांट भी प्रेजेंट है इस लैंड पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही प्लांट के सेम कैरेक्टर वाले प्लांट हमने आइडेंटिफाई कर लिया. इसके लिए जो नोन स्पीसीज होगा उनसे हम उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. जब कैरेक्टराइजेशन मीन्स मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें मिल जाएगा, देन हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये कुछ अलग है. नेक्स्ट हम उसको क्या करेंगे, नॉमिनिक्लेचर देंगे, मीन्स उन्हें हम एक नेम दे देंगे. नेम देने के लिए हमें जीनस एंड स्पीसीज दोनों बताना होता है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर देंगे. क्लासिफिकेशन पूरे डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर भी यहाँ हम बता देते हैं. क्लासिफिकेशन अगर प्लांट एंड एनिमल्स का है तो दो कैरेक्टराइजेशन पे होता है, फर्स्ट किंगडम, नेक्स्ट डिवीजन एंड फाइलम. डिवीजन होता है प्लांट के लिए एंड फाइलम होता है एनिमल्स के लिए. देन होता है क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज. अगर इससे भी मतलब सब स्पीसीज भी इसकी आइडेंटिफाई है, देन हम सब स्पीसीज को भी इंक्लूड करेंगे. ओके, सो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडिंग इन ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी. बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी. ओके, सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनिक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट. ओके, एंड इस टर्म को, टैक्सोनॉमी टर्म को किसने दिया, द टर्म गिवन बाय
एपीडी कैंडोले एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कैरोलस लिनियस. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस. इंडियन टेक्सोनॉमिस्ट को भी जान लीजिए, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी इज सांता पाउ. दिस इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमी. ओके, कम टू द टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी. देर आर टू टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज क्लासिकल, इसी को बोलते हैं ओल्ड टेक्सोनॉमी, एंड डिस्क्रिप्टिव,